हाईर रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आज हम कंपेयर करने वाले रिफ्रेश रेट्स अलग अलग फोन्स की कि कौन सा फोन्स कितनी रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कराता है और कौन सा फोन्स ज़्यादा कंपेटेबल हैं गेमिंग के लिए। हमने यहाँ पे सबवे सफर के गेम को 90% स्लो कर लिया, जो कि पहले 75% था, उसके पहले बिल्कुल नॉर्मल था। तो हम यहाँ पे इजीली डिफरेंस देख पा रहे हैं कि S20 अल्ट्रा और रेड मैजिक 5G में ये ज़्यादा स्मूथली वर्क कर रहा है। तो हाई रिफ्रेश रेट होने का एडवांटेजेस हमको यहीं से पता चल सकता है। फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स जैसे कि पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी और मॉडर्न वॉरफेयर, इन सब में क्या एडवांटेजेस है रिफ्रेश रेट का, चलो अब हम देख लेते हैं। अब हम अगर गेम प्ले को स्लो करते हैं तो K30 Pro जूम में आप देख सकते हो कि ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ब्लैक शार्क और S20 अल्ट्रा में बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। और 144Hz के रेड मैजिक 5G की बात करें तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही अच्छा दिख रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें 90Hz और 120Hz के गेम प्ले को, तो ये दोनों ही काफ़ी सिमिलर टाइप में दिख रहे हैं और परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी ज़्यादा अच्छी रिफ्रेश रेट होने का मतलब ये है कि हम हमारे कॉम्पिटिटर से एक पेर आगे चल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हम हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं FPS गेम्स में, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब हम गेमिंग की बात करते हैं तो हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो हम हाईर रिफ्रेश रेट फोन्स को ही ज़्यादा तवज्जो देंगे। अगर हम अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें तो हाईर रिफ्रेश रेट वाले जो फोन्स हैं उनकी अभी हमें प्राइजेस भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम पबजी जैसे मोबाइल गेम्स की बात करें तो बेसिकली रेडमी और ब्लैक शार्क 3 दोनों ही काफ़ी अच्छे हमारे पास में अब पॉइंट्स हैं और अच्छे फ़ोन्स हैं जो कि इस चीज़ को बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। हालाँकि वन प्लस और S20 अल्ट्रा जो मुझे और ब्लैक शार्क 3, ये तीनों ऐसे फ़ोन्स हैं जिनमें मुझे कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर हम बात करें रेड मैजिक 5G की जो कि 144Hz की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कराता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ़ोन है हमारे लिए। तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि हाई रिफ्रेश रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें प्रोवाइड कराती है बेटर गेमिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है, इस फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई सी यू इन नेक्स्ट वन।